मिलाद नबी के जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। नमस्कार, मैं हूँ रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आपको खबरों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। उतरौला के बरदही बाजार में जश्न ईद मिलाद उन नबी के जुलूस निकाला गया। उसके बाद शहर में जुलूस मोहम्मदी का सिलसिला शुरू हुआ, तो शहर के विभिन्न इलाकों में आए अनेक अंजुमन अपने अपने परचम के झंडों के साथ सलाम पढ़ती जुलूस के साथ हो चली। बरदही बाजार के चलकर करबला होते हुए जुलूस गोंडा मोड़ पहुंचा, जहां मौलाना एजाज अहमद ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी पर विस्तार से रोशनी डाली। मास्टर सभी अहमद ने परचम एतराना पेश किया। जुलूस गोंडा मोड़ के आगे बढ़ता हुआ ज्वाला महारानी मंदिर जामा मस्जिद से होता हुआ हाटन रोड पहुंचा, जहां मौलाना मस्जिद रजा नूरी के जुलूस को खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद साहब के नूर को बनाया है, फिर उसी नूर से पूरी कायनात को बनाया, इसलिए पूरी इंसानियत के लिए 12 रबीउल अव्वल का दिन रहमतों व बरकतों वाला है। जुलूस हटन रोड से बढ़ता हुआ चांद मस्जिद पर रुका, जहां मौलाना नूरानी ने कहा कि अल्लाह में पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा नबी को शिक्षाओं पर अमल कर इंसान न केवल अपनी ज़िंदगी बल्कि एक बेहतर समाज बना सकता है। इस बीच रसूल के आमद की खुशी में पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। जुलूस के इंतजार में सड़क किनारे खड़े जायरों ने पूरे रास्ते फूलों की बारिश की तथा इस्तेमाल किया। जुलूस के दौरान पूरे रास्ते में अनेक तंजीमों द्वारा जुलूस में शामिल लोगों की मिठाई, बिस्किट, पानी, शरबत आदि वितरित किया गया।